अकेला मत खाना ये मुझे भी चाहिए, चल रख दो इधर। Good morning guys, how are you and welcome back to Vishindur, another brand new video vlog. Yes, you already tried, it's a brand new video vlog and today we are at Mysore. So let's see what are we supposed to do. But the very first thing is that I'm really really a lot hungry. So first I'll be going and having some food. हाँ मुझे खाना खाना है, I'm really really hungry. So let's go and have some breakfast out there. So this is the way. We are supposed to go in and have our breakfast. तो सबसे पहले जाएंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे यार, ऊपर उठेंगे. So I'm just getting down. और let's see what I'm supposed to get to eat. Let's go. And we have some members out there. Yo. So here I've entered inside. How are you doing shouting? Hey you, this is the Medita breakfast. For your Medita breakfast is the Medita paratha that I ate. It's really cool. Yeah, really. Mm-hmm. Kids are playing some games over here, as you can see. Yeah. See. Yeah. So guys, abhi hum nikalne wale, it's time to leave, but can you see the fun they are having? Just take a look at it. Fun, it's too much fun. किसको ऐसा फोटो चाहिए, किसको ऐसा फोटो चाहिए, सबके अलग अलग अपने चॉइसेस होते हैं. सो अलग अलग चॉइस के अनुसार उस हिसाब से हमें ये करना पड़ता है फोटोज. और ये देखिए ये क्यूट से बच्चे कितना डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे है ये बच्चे, डिस्टर्ब करने वाले बच्चे. सो दैट्स इट एंड वी आर गोइंग आउट टू सम प्लेसेस. सो लेट्स सी एंड लेट्स सी द काइंड ऑफ फन दैट वी विल बी हैविंग. देखो ये फोटो बैग तुझे. सो गाइस वी आर एट द जू. द नेम ऑफ द जू इज श्री चंद्र राजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन मैसूर. सो लेट्स सी हाउ इट इज, आई विल शो यू हाउ इज एग्जैक्टली. और हाँ यहाँ पे 150 रुपीज़ वीडियो कैमरा का चार्ज है, और नॉर्मल फोटोज लेना होगा तो उसका कुछ 100 या 20 रुपीज़ तक है, आई डोंट नो. लेकिन वीडियो कैमरा का 150 है, तो आई विल बी पेइंग 150 रुपीज़ नाउ एंड देन गोइंग इन एंड शूटिंग फॉर यू गाइज. ओके या सो गाइज, बाहर बहुत आवाज़ था, अगर आपको सुनाई नहीं दिया होगा तो हम मैसूर ये एक जू में है. इसका जू का नाम है फिर से भूल गया, इसका कुछ तो है यार, बहुत बड़ा नाम है. मैं यहाँ पे ऊपर लिख दूँगा, टाइटल में डाल दूंगा, देख लेना. और हाँ, वीडियोग्राफी का जो कैमरा है उसके 150 रुपये यहाँ पे लगते हैं. सेकेंड थिंग, जो टिकट है, अभी हमने बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल लिया है तो उसका टिकट एक का 150 रुपया है, और नॉर्मल टिकट है वो जो वो है 50 रुपया. कुछ इस तरह से दिखता है ये. सी द वे अराउंड इन हियर, नाउ वी आर एंटरिंग इन दिस वे. और हमारे साथ है चिनो मैन एज यूजुअल विद द कैप. लेके कैसा है उसका सर? आई एम नॉर्मल बॉडी. और ये देखो, ये आप इन्हें पहचानते ही होंगे, आपने इनको एक व्लॉग में देखा था. इधर देखो, वेयर इज द वाटर मैन. सो दिस इज हाउ इट इज. ओहो, सी द स्ट्रक्चर्स हियर. क्या है ये? वाओ, फैमिली जैसे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, गुड वन. एंड अभी इसके बाद हम जाने वाले हैं मैसूर पैलेस. तो सबसे पहले आपको इस जू के बारे में बता दूँ, तो ये जू जो है वो 3.5 किलोमीटर इतना आपको घूमना पड़ता है इस
इसका एरिया मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन 3.5 किलोमीटर आपको घूमना पड़ेगा। एंड यू विल बी फाइंडिंग वेरियस काइंड ऑफ एनिमल्स, हाँ वेरियस काइंड ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स जो भी है वो आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे देखने के लिए। हाँ लेकिन पैर बहुत दुखने लगेगी यार, एक तो आप बैटरी ऑपरेटेड कार कर लो, जल्दी से घुमा लेगी। पैदल चलना है तो 3.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, इतना याद रखना। बाकी कुछ नहीं यार, बस चल रहा है, मज़ा आ रहा है। लेकिन ग्रुप होगा ना तो मज़ा आ जाएगा, सच में ग्रुप होगा तो यू विल हैव फन, लॉट्स ऑफ फन। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन रियली फास्ट और निकलूँगा क्योंकि बहुत से काम करने हैं ऑन द वे एंड बहुत से जगह भी कवर करने का है, तो उसी के लिए मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। एंड आई एम मूविंग, अभी मैं देखता हूँ, जल्द से जल्द ऐसे बाहर निकलूँगा और मैसूर पैलेस में भी जाना है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। या ये देखो डेरिंग बाज उठा भी नहीं यहाँ से, बच्चू बच्चू का। और ये देखो बेबी है, अरे सो ही हैज अ बेबी विद हिम, यहाँ पे नीचे बेबी है, देखो बेबी, ओ कितना छोटा सा प्यारा सा बेबी है, वो उसे चलाना सिखा रहे हैं। ये बेबी, ये ग्रुट तो नहीं, एवेंजर्स का ग्रुट। ओ माय गॉड, ओ सी दैट लव, सी दैट लव, ओह माय गॉड दैट्स सो क्यूट। हे रूटी, हे रानी, हेला हे सने पकड़ करीतदा कौन साल नहीं अंदर में स्लाइस पीटा हुआ मंकी। सो गाइस अभी हमने ऑर्डर किया है दही पूरी, शेव पूरी, पाव भाजी एंड नाउ लेट्स सी। टॉस बहुत है, जाने दो, छोड़ दो उसको। किधर है, किधर है, किधर है, ऊपर इधर। वो भैया चलो ये कूपन देने में मुझे हेल्प करो, हेल्प करो इस कूपन देने में। पानी पूरी खा रहे हैं, हाँ वो मैंने बताया है, शिवपुरी भी पाव भाजी भी, हमें इन्हें कूपन देना है। देखो डोसा देखो, वाह चिन्मय चिन्मय इकड़े पण देतो कूपन, कूपन इकडे ना, तिकडे का मध्ये तिकडे, ये कूपन जैसे आपको पता है ये खाने वाला ये सब चीजें जो आएगा आपको दिखाऊंगा। मैं तो बहुत पेड़ लग गया, थोड़ी भूख भी लगी है, मोस्टली 3 किलोमीटर ना, हाँ 3.5 किलोमीटर, हाँ 3.5 किलोमीटर भी हो गया। तो हम यहाँ पे आए थे लेकिन ये जो है वो दूसरे काउंटर पे देना है, सो वी आर मूविंग हियर। किधर है इसका काउंटर, इधर ना, वेयर इज द दहीपुरी का थिंग, आई थिंक इट इज, देखो यहाँ पे काइंड ऑफ लाइक दिस बिग थिंग। यहाँ से यहाँ बहुत घूम रहे हैं हम, ऐसा लगता है अभी हमारे ही तैयार हो रहे हैं वहाँ पे। यस यहाँ पे उनका कुछ पानी, वहाँ पे वो पानी पी का है, देयर स्टफ एंड द पीपल आउट देयर। अच्छा सुनो चिन्मय,
मुझे क्या लगता है कि ये बात बहुत अच्छी है कि जो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट अवेलेबल है ना। हाँ क्योंकि अगर जो रूट में घूमते हो इतना 3 किलोमीटर घूम के आपको रूट मिल जाएंगे। हाँ रेस्टोरेंट में तो दैट्स अ गुड थिंग। इट्स एक्चुअली गुड सेंटेंस प्रॉब्लम टू अन वेल या एक्चुअली दैट्स द मोस्ट दैट द मोस्ट या इनटू जो कह रहे हैं ना। लेकिन फिर अभी चल भी नहीं सकते, कौन सा बाहर जाएगा लेगा, उससे अच्छे यही पे कर दो खा लो तो मजा आएगा। एंड कैन सी स्टार्ट ब्लॉगिंग अगेन, इसका ब्लॉग है वो रहना लग रहा है नहीं तो भी स्टॉप किया। आपको इधर जो बिहाइंड द सीन होंगे मतलब जो मैं वीडियोस करता हूं उसे बिहाइंड द सीन की फोटो आप भी होते हैं, अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप इसके चैनल पे देख सकते हो। जो मैं ये सीन आप देख सकते हो ये कर रहा हूं ब्लॉग व्हाट आर यू डूइंग बिग एंड यू डूइंग व्हाट आर यू डूइंग। So basically we are waiting here and order the food. So अभी हम लोग खा जाएंगे। अच्छा ये चुका है अभी ऑर्डर आएगा तो खा लेंगे। थोड़ा हाँ थोड़ा थोड़ा जोर से बोलना चाहिए आपने। हाँ वो ऑर्डर दिया है। सॉरी फॉर द बैड ऑडियो, आई डोंट हैव एक्चुअली एक्सेल माइक, उसके बाद कर भैया just can't wait for the food to get in. Yeah. Like really really hungry, a lot hungry man. Sorry, Shakti, I'm gonna make you finish your drink later. क्या खा रहे हो? मंचूरियन। मंचूरियन अकेले अकेले? हमें कौन लेगा? It is not a good thing. Yes, I want. ये बुलाने खा लो अच्छा लग। Dupo will get the food. स्पून जिनमें स्पून जिनमें स्पून हाँ देर आर द स्पून्स राइट देयर। ये देखो अकेला नहीं खाने वाला, ये मैं खाने में नहीं लूंगा वैसे भी, थोड़े स्पून्स कलेक्ट कर लूँ या दस जो ऑफ देम। अकेला मत खाना ये मुझे भी चाहिए। चल रख दो इधर, वीडियो बन गया फोटो के क्यों क्यों फोटो तुम्हें चाहिए क्यों इंस्टा पे डालना है तुम्हें? ओए 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 खाएगा ये दही पूरी या शेव पूरी? ए दही पूरी मांग लेती ना। अच्छा दही हाथ में टाकली बढ़ती शेव टाकली हो तो नहीं, नाइस आइडिया। क्या खा रहे हो तुम बाप अजी? अकेले 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 अकेले? हाँ तुम भी? हाँ हम भी खाएंगे। खा लो खा लो, यहाँ वीडियो के अंदर वीडियो देख सकते हो। टाइम फॉर अस टू स्टार्ट ईटिंग द पाव भाजी। यू चलो मैं तो खाना स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, मुझे बहुत भूख लगी मैसूर पैलेस। देखो यार कितना बड़ा है यार, बहुत बहुत बड़ा है यार, ट्रैफिक भी बहुत है, देख एवरीथिंग इज लाइक। अभी हमें एक्चुअली क्रॉस करना है, रास्ता क्रॉस करने है, अभी हमें उधर जाने का है। आई नो वी हैव टू गो देयर, तो अभी हमें उधर जाना है, तो अभी हम जाने वाले हैं रास्ता क्रॉस करके। एक आदमी कुछ तो कन्नड़ में बकबक किया, मेरे को कुछ समझा नहीं कन्नड़ बोला कर। अभी इधर की लैंग्वेज आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक। देखो बस भागी जा रही हो, आए वर्तू बिना आए, गेट अप गेट अप, वर्तिए वर्तिए, जास्त रिक्शा नको घेऊ। यहाँ पे एक्चुअली बहुत ट्रैफिक है गाइस, चलो जल्दी से। और ये कुछ ऐसा डिस्ट्रिक्ट में से ऐसा रास्ता क्रॉस कर दिया है, और ये है इधर मैसूर पैलेस। देख लो यार
पुलिस की सिक्योरिटी है यहाँ पे, मतलब ये बस बैरिकेड लगा के रखे इन्होंने और ये इतना बड़ा है। अभी मुझे मालूम नहीं ऐसे अलाउड है या नहीं है, बट पॉसिबली आई डोंट थिंक सो इट्स अलाउडेड फ्रॉम दैट पॉइंट। बस अभी देखना है कैसा है ये। श्योर अभी इनको एक फ़ोटो चाहिए, अभी मैं इनका फ़ोटोशूट करूँगा एंड देन मेरा भी हो जाएगा। बहुत सही है यार, अभी जो शूट आप देख रहे हो वो मेरे मोबाइल से शूट किया हुआ है, क्योंकि मेरे कैमरे की बैटरी प्रिटी डाउन हो चुकी है एंड आई हैव टू टेक सम फोटोज ऑल्सो एज वेल इनसाइड। सो अब मैं जस्ट मोबाइल से शूट करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेट्स सी जैसा आएगा वैसा आएगा, अभी एडजस्ट कर लेना यार। बट आई कैन जस्ट से वन थिंग फॉर श्योर दैट ये पैलेस बहुत अच्छा लग रहा है बाहर से, तो भी अभी मैं अंदर से जाके इसका व्यू देखता हूँ कैसा आएगा। लेट्स गो, लाइक हम यहाँ से आए सीधा, क्योंकि वहाँ से एंट्री अलाउड नहीं थी उस पॉइंट से। और ये मेरा न्यू गैजेट है, दिस जो भी गोरिल्ला पॉड 3 के किट एंड दैट माय कैमरा निकॉन D5600। इन दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट। अभी यहाँ से जाना कैसा है, हाँ सो दिस इज द वे वी हैव टू गो। तो अभी हम निकल रहे गाइस वहाँ पे जाने के लिए। मुझे पता है क्वालिटी एकदम से रिड्यूस हो गई होगी, वेल ये मोबाइल में कब से यूज़ कर रहा हूँ, सो आई नो थोड़ा सा तो कैमरा में फ़र्क आ ही जाता है। एंड वी गॉट द सेकेंड ब्लॉगर एज वेल, सो आप देख सकते हो ब्लॉगर नंबर 2 भी पीछे है। अभी द मेन थिंग इज कि हमारा जो क्रीव है वो क्रीव गया किधर, सो मुझे क्रीव अभी ढूंढना पड़ेगा किधर गया है, बिकॉज हम वहाँ पे फोटो खींचने के लिए रुक गए थे एंड विद व्हेनेवर वी क्लिकिंग द फोटोज बाय दैट टाइम ओनली दिस पीपल दे रैन अवे। हाँ तो अभी हम जाएंगे उन्हें ढूंढेंगे एंड देन द मोमेंट वी गेट देयर आई विल ट्राई टू शो एंड ट्राई टू ब्लॉग एट दैट पॉइंट एंड आई विल शो हाउ द मैसूर पैलेस एग्जैक्टली इज। We'll catch you there. Bye bye. Yo, man. Just take a look at this place. It's so amazing, man. So amazing. And the vlog related to this will be up on the channel real soon. Yeah. Taste it. Evda moto. Ye lighting dekh rahe ho, guys. Iska bill pura 70,000 to 80,000 aata hai mahine ka. क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग कुछ इस तरह से है और ये पूरा महल उस तरह से है। तो गाइस यार वीडियो की क्वालिटी ना थोड़ी लो होगी, क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरा DSLR डाउन हो गया है एंड अभी हम रुके हैं हाली माने करके एक होटल है, वहाँ पे रुके, अभी हम वहाँ पे खाना खाएंगे। अभी देखते हैं अभी हम यहाँ पे क्या खाने वाले हैं और क्या ऑर्डर करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता, लाइक लेट्स सी, बट डेफिनेटली इट वुड बी फन या दैट आई कैन से फॉर श्योर। हाँ अभी देखो इसका एंट्रेंस कुछ इस तरह से दिखता है, एंट्रेंस पे ये दरवाजा इतना बड़ा। आई एम रियली मिसिंग माई DSLR गाइज, आपको एक बात बता दूँ यार, क्योंकि DSLR होता तो बहुत अच्छा शूट आता, लेकिन प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लो क्योंकि मेरा बैटरी डाउन हो गई है। एंट्रेंस पे आपको इस तरह से कुछ स्वागत होता है और यहाँ पे सब लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि वी आर ऑल अलॉट इन नंबर, सो दो टेबल अरेंज करने के लिए उनको थोड़ा समय लगेगा, सो वी आर वेटिंग टिल दैट टाइम। जैसे ही दो टेबल अरेंज हो जाते हैं हमारा नंबर आ जाएगा। एंड इंटरनल स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है इसका, ये देखो कुछ इस तरह से है, होटल पूरा पैक है। जैसे ही हमारा नंबर आएगा हम जाएंगे। वेल गाइस यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था एंड वी हैड द फूड। बहुत हंगरी था यार इसलिए ज़्यादा दिखा नहीं पाया, बट इट्स ओके यार, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। इसने इतना हॉर्न क्यों बजाया मुझे भी नहीं पता चला, लाइक अभी हमारी गाड़ी आ गई है, सो वील बी मूविंग एंड वील कैच यू टुमारो। बाय बाय।
can you ride?